हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल मारो लाइट में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आशीष चंचलानी बीबी के वाइंस एंड बेसर मक्खी की कंट्रोवर्सी के बारे में। बेसिकली बेसर मक्खी अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड किया आशीष चंचलानी एंड बीबी के वाइंस को एक्सपोज करते हुए। तो चलिए मैं आपको उस वीडियो की छोटे से क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। ये बात नोटिस करके रखना कि भुवन भाई के हिसाब से हेमकुंड फाउंडेशन लोगों के घरों में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। वो बहुत महंगा है, अगर हम अपना बिट करेंगे तो हम घर बैठे बैठे कितनों की मदद कर सकते हैं। थिंक अबाउट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेमकुंड फाउंडेशन लोगों की कितनी मदद कर रहा है। हेमकुंड फाउंडेशन लोगों की इतनी मदद कर रहा है कि अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है और जो फोन लग रहा है वो फोन कोई उठा नहीं रहा है। और ये जो सारी कमेंट है वो मैंने हेमकुंड फाउंडेशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज से उठाई है। हेमकुंड फाउंडेशन लोगों के घरों में जाकर मदद कर रहा है, लोगों के घरों में जाकर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि बीबी ने अपने पापा के लिए बेड और वेंटिलेटर के लिए स्टोरी में डालकर लोगों से मदद क्यों मांगी, हेमकुंड फाउंडेशन से क्यों नहीं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा यार, आशीष चंचलानी का तुमने उदास मुंह देखा ना, रोते हुए उनको देखा ना, उनकी शक्ल में थोड़ा आंसू देखे ना तुमने, तो जाओ जाकर और डोनेशन दो। उतना डोनेशन उनके लिए काफी नहीं है, उतना डोनेशन कम पड़ रहा है, थोड़ा और डोनेशन दो। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं अपना मतलब मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, अगर पब्लिक से रिक्वेस्ट नहीं करनी है तो वीडियो पब्लिक अपलोड क्यों कर रहा है? आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं हेमकुंड फाउंडेशन को जानता हूँ एंड वो लोग ग्राउंड रियलिटी पे जितना काम कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक मैंने किसी को काम करते हुए देखा है। हाँ, आशीष भैया ने अपनी आंखों से देखा हुआ है हेमकुंड फाउंडेशन को ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम करते हुए, और ग्राउंड लेवल पे उनसे अच्छा काम और कोई कर ही नहीं सकता है ना आशीष भैया। तभी हेमकुंड फाउंडेशन फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है, जो लोग दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की जगह रोक के बैठे हुए हैं हाईवे पे, और वो दिल्ली बॉर्डर ब्लॉक करने की वजह से वहां पर दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 100 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है एम्बुलेंस। तो चलिए दोस्तों, अब अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं, और अगले न्यूज है सौरभ जोशी की तरफ से। सौरभ जोशी की पूरी फैमिली को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आपको उस वीडियो की छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। हे गाइज, आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। मैं और हमारी तो पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव आ गई है। कल मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, हम एडमिट थे पूरी फैमिली की, फैमिली ग्लूकोज वगैरह लगा था हमको, और पापा जी की ऑक्सीजन भी काफ़ी कम हो गई थी तो उसके लिए भी काफ़ी ऑक्सीजन दी थी उनको, और अब थोड़ी नॉर्मल है। और अभी सारे कल रात को ही आ गए थे, घर में आ गए थे, और अभी घर में ही आइसोलेट हम कर रहे हैं, पूरी फैमिली क्वारंटीन हो रखे हैं। तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुबह से इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे, पारस भाई की बात जा रहे थे, तो पारस भाई बोल रहे थे थोड़ी अपडेट दे दो अपने ऑडियंस को। तो फिलहाल के लिए अभी ठीक है सिचुएशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना सा ही। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।